दोस्तों, जो जेपीएससी के द्वारा जो अकाउंट्स ऑफिसर्स के लिए जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई थी और जिनका रिजल्ट जो पीटी का रिजल्ट आपका 28 मई को आपका आया था और उनमें अगर आप सिलेक्टेड हुए थे तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो है आज यहाँ पर बहुत अच्छी एक नोटिस यहाँ पे जो है आज के न्यूज़पेपर में जो प्रकाशित की गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका मेंशन की गई कि 166 अभ्यर्थियों से 23 जुलाई तक मांगे गए प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट 166 जो सिलेक्टेड हुए हैं उनका यहाँ पे जो है 23 जुलाई तक जो है यहाँ इसका प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। आगे में यहाँ पे जो मेंशन की गई है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जेपीएससी द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में 16 अकाउंट्स ऑफिसर की सीधी नियुक्ति के लिए पीटी में सफल अभ्यर्थियों को 23 जुलाई तक प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट पीटी में सिलेक्टेड हुए थे तो उनका जो है यहाँ पे 23 जुलाई तक जो है इसका प्रमाण पत्र जो है आपको यहाँ पे जमा करने का निर्देश दिया गया है। आगे में यहाँ पे जो मेंशन की गई कि आयोग द्वारा 28 मई को जारी पीटी रिजल्ट में 166 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। तो यहाँ पे जो 28 मई को इसका रिजल्ट यहाँ पे पीटी का जारी हुआ था जिसमें कि 166 अभ्यर्थी जो है इसमें सफल हुए थे। अभ्यर्थी जो है अब प्रमाण पत्रों को परीक्षा नियंत्रक जेपीएससी सर्कुलर रोड रांची 834001 के पते पर जो है लिफाफे में भरकर जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आपको अगर इन्वेलप के माध्यम से जो है अगर आप भेजते हैं तो ये आपका एड्रेस दी गई है, इस एड्रेस पे जो है आपको इन्वेलप के ऊपर में लिख करके जो है आपको जमा करना होगा, या फिर अगर आप इसमें जो इसका कार्यालय है उसमें आप हाथों हाथ भी जो है आप इसमें जमा कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस दी गई है, इस एड्रेस में जो है आप जमा कर सकते हैं या फिर आप जाके उस कार्यालय में जो जेपीएससी की कार्यालय है उसमें जाकर भी आप जो है जमा कर सकते हैं हैंड टू हैंड। यहाँ पे जो अंतिम तिथि आपको यहाँ पे दी गई है कि अंतिम तिथि के बाद यहाँ पे जो है प्रमाण पत्र यहाँ पे दस्तावेज कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो 23 जुलाई तक जो है इसका आप जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए तो आप अपना जो प्रमाण पत्र होगा दस्तावेज होगे वो आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं इसकी आयोग में। इसके बाद अगर आप यहाँ पे जमा करते हैं तो यहाँ पे किसी तरह की जो है ये आप जिम्मेवारी यहाँ पे विचार नहीं की जाएगी। आगे में यहाँ पे जो मेंशन की गई कि संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्मतिथि डालकर जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आप फिल करके जो है इसका आप ऑनलाइन जो आवेदन की प्रति होगी जो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे में यहाँ पे जो मेंशन की गई इसके अलावा किन्हीं अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो इसके लिए जो है आयोग ने हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पे जारी की गई है। तो ये दोनों यहाँ पे नंबर दी गई है, इसमें आप जो है आप कॉल करके जो है आप इसका अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अगर आप इसमें सिलेक्टेड हुए थे जो आपका जेपीएससी के द्वारा जो अकाउंट्स पोस्ट के लिए जो 16 पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई थी जिनका यहाँ पे 28 मई को रिजल्ट आई थे जो पीटी के लिए, अगर आप में कोई भी कैंडिडेट अगर आप सिलेक्टेड हुए थे तो आप अपना जो भी दस्तावेज जो आपका प्रमाण पत्र होगा आप जो है 23 जुलाई से पहले जो इसकी आयोग में कार्यालय में जाकर या फिर और जो आपका यहाँ पे ऑफलाइन के मोड पे जो निबंधन पोस्ट या फिर जो भी आपका डाक होगा उसके माध्यम से जो है आप यहाँ पे भेज करके जो है आप इसका जो प्रमाण पत्र आप यहां पे सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहां पे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी इस प्रकार की नोटिफिकेशन आएगी या फिर नोटिस आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।